नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर वर्चुअल युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 वर्षों से, स्पेशली 2014 के बाद से, मानो कि फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म भारत के एकमात्र डिबेटिंग मंच बनके रह गए हैं। 2014 के पश्चात जिस स्पीड से सीरियस डिबेट्स के इंस्टीट्यूशंस अंडरमाइन हुए हैं, जैसा कि पार्लियामेंट, उसी रफ्तार से सोशल मीडिया पर सारे बातों का अंतिम फैसला लिया जाने लगा है। शुरुआत में बीजेपी और सरकार को सिचुएशन बहुत सूट करती थी, उनका जो सोशल मीडिया पर हेड स्टार्ट था, लेकिन धीरे धीरे उनके ओपोनेंट्स ने स्पेस पर अपनी भी प्रेजेंस को रैंप अप कर लिया। सोशल मीडिया बहुत डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, हर एक के लिए उपलब्ध है। ऑन द वन हैंड, एनीवन आर्म्ड विद एनी लिटिल बट ट्रिविया और इवन शियर रिडिक्यूलस आर्ग्यूमेंट्स कैन गो एंड चैलेंज एन नोबेल लॉरिएट। दूसरे तरफ सरकारी तंत्र की खिल्ली भी उसी एफिशिएंसी से उड़ाई जा सकती है। देखते ही देखते सोशल मीडिया एक तरफा नहीं रहा। अगर प्रचार और भक्ति हो सकती थी तो आलोचना भी उसी मंच से पॉसिबल था। द सिचुएशन हैज नाउ बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ दिस। सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द ग्लोबल टेक सेक्टर आर लॉक्ड इन एन इंक्रीजिंगली टेंस स्टैंड ऑफ विद द इंडियन गवर्नमेंट। विवाद का कारण एक नया सोशल मीडिया का नियम है जो फरवरी में जारी किया गया। टेक कंपनीज फियर दैट दीज लॉज इम्पिंच ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी। उनका पूरा का पूरा ग्लोबल बिजनेस मॉडल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जैसे जैसे 26th ऑफ मई का डेडलाइन करीब आया, टेंशन बढ़ने लगी थी। मैटर्स रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट विद अ सिंगल ट्वीट ऑफ अ बीजेपी स्पोक्सपर्सन मिस्टर संबित पात्रा। उसके बाद दिल्ली पुलिस गुड़गांव स्थित ट्विटर ऑफिस पर वहां पहुंची। व्हाट्सएप ने इस नए कानून के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। हिंदुस्तान व्हाट्सएप का बिगेस्ट मार्केट बाय यूजर है। 490 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स आर देयर इन इंडिया। अपने पिटीशन में व्हाट्सएप ने आर्ग्यू किया है, requiring messaging apps to trace chats is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every message sent. Company के वेबसाइट पर एक अलग ब्लॉग पोस्ट में WhatsApp ने लिखा है, a government that chooses to mandate traceability is effectively mandating a form of mass surveillance. यानी कि पूरे समाज पर निगरानी रखी जा रही है। ट्विटर ने भी इस कानून से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे की चिंता जताई है। भारत सरकार ने उसके जवाब में चेतावनी दी है, ट्विटर पॉलिसी डिक्टेट नहीं कर सकती है, पॉलिसी सरकार बनाएगी। सोशल मीडिया का यूसेज देखकर ऐसा लगता है ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमेशा से ही हिंदुस्तान में चले आ रहे हैं। ऑल्दो दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपीयर टू हैव बीन फॉरएवर प्रेजेंट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट सम ऑफ दीज टूल्स आर ऑफ वेरी रीसेंट ओरिजिन। फॉर इंस्टेंस, विकिपीडिया, विच हैज बिकम आवर फर्स्ट स्टॉप व्हेनेवर वी वांट टू सर्च फॉर information of any kind, it is just 20 years old. It went online
in January 2001. Even webmail services is barely a quarter of a century or 25 years old. Hotmail, जो एक समय सबसे ज्यादा पॉपुलर ईमेल फ्री सर्विस था, 1996 में लॉन्च हुआ था. ट्विटर टू इज ऑफ फेयरली रीसेंट ओरिजिन. द फर्स्ट ट्वीट वॉज पब्लिश्ड ऑनलाइन ऑन द 21st of March 2006. सिंपल सा था पहला ट्वीट जैक डोर्सी का, जो फाउंडर और करेंटली सीईओ हैं ट्विटर के. शुरुआत में हिंदुस्तान में सोशल मीडिया को सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं दी गई थी. द आइडिया ऑफ चैटिंग और एक्सचेंजिंग कमेंट्स विद समवन अननोन वाज आउट ऑफ आवर कैरेक्टर. यह बात अलग है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया परंतु पूरे साइबर स्पेस में हमको बहुत कॉशियस होना जरूरी है. इंटरनेट आफ्टर ऑल इज क्रॉलिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रॉडस्टर्स एंड क्रिमिनल्स. वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, पर्टिकुलरली व्हेन सेफगार्डिंग चिल्ड्रन. हिंदुस्तान में राजीव गांधी पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को एंटिसिपेट किया. कंप्यूटर्स और टेलीफोनी का बूम उनके टेन्योर में शुरू हुआ. 1990s के दशक में पॉलिटिशियंस दो कैटेगरी के थे, जिन्हें टेक सेवी कहा जाता था क्योंकि उन्हें गैजेट्स पसंद थे, और दूसरे कैटेगरी जिन्हें गैजेट से कोई लगाव नहीं था. बट दैट वाज ऑल. इंटरनेट यूसेज इंक्रीज्ड इन इंडिया बट इट्स यूज इन पॉलिटिक्स वाज एक्सट्रीमली लिमिटेड. ऑल दिस चेंज विद द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 2008. इन अर्ली 2007 बराक ओबामा को अमेरिका में बहुत कम जानते थे. ही वॉज जस्ट नोन एज वन ऑफ द सेनेटर्स. बट 4th ऑफ नवंबर 2008 को ओबामा मेड हिस्ट्री एज बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. उनकी जीत के कई कारण थे, बट द मेजर वन वॉज द वे ओबामा एंड हिज कैंपेन टीम यूज द सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, especially the internet. These were integrated into his campaign strategy, not just for fundraising, but also to collect this huge army of volunteers as well as reach out to the voters. Hindustan mein 2009 ek nirnayak varsh tha. Lok Sabha ke chunav hue the, aur 1991 ke baad kisi single party कांग्रेस को 200 से ज्यादा सीटें आई थी. लेकिन इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई थी. ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी एंड शशि थरूर बिगैन टू गेट एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया. 2009 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने एक आईटी सेल का भी गठन किया था. इट हैड three primary roles. One, automate the BJP organization. Two, attract IT professionals into the party. And the third was to advise leaders on IT policy related issues. Halanki, 2009 mein BJP ke IT cell ne us chunav mein kuch khas role nahi play kiya, lekin mahatvapurna baat ye hai ki shuruaat ki gayi. Technological inputs in elections started with this election. Almost 3 years after the launch of Twitter, Narendra Modi got onto this platform on the 1st of February 2009. Shashi Tharoor kuch din baad Twitterati ban gaye. Lekin unhone Modi se bahut zyada follower ikhatte karne lage. He remained the number one Indian politician on Twitter till as late as 2013, when finally Modi was able to overtake him. ठीक उसी समय 2009 की बात कर रहा हूं, अडवाणी ने ब्लॉग लिखना शुरू किया.
2009 के चुनाव में वे बीजेपी और एनडीए के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे। He described a blog as a letter without a signature. These gave him access to a readership that did not read press releases that were issued by the party and put up on its website. Tharoor ke liye Twitter political messaging se zyada personal image building ka device tha, at least initially. In contrast, Modi used his Twitter account to broadcast his tours, programs and engage with the readers. जैसा कि एक बार उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात के विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। पॉजिटिव डेटा अपना इमेज प्रमोट करने के लिए भी वे ट्वीट करते थे, जैसा कि गुजरात पोस्ट्स 12.8 एग्रीकल्चरल ग्रोथ हाईएस्ट इन इंडिया। अडवाणी के ब्लॉग्स को प्रेस में अच्छी कवरेज मिलती थी। थरूर के ट्वीट्स कंट्रोवर्सी जेनरेट करते थे। He once wrote that he would travel cattle class in solidarity with all other holy cows. बीजेपी के 2009 के हार के बाद पार्टी के अंदर लीडरशिप पोजीशन के लिए जॉकिंग शुरू हो गई। 2012 तक मोदी ने भी अपना पासा फेंक दिया था। That same year, he also expanded his social media footprint and marked his presence on Google Plus, Facebook and started a YouTube channel. 2009 में प्रशांत किशोर को अपने साथ काम करने के लिए मोदी ने एंगेज किया। उनका सोशल मीडिया स्ट्रेटजी को प्लान करने के लिए मोदी आल्सो अपॉइंटेड एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन एंड इन दोनों के लीडरशिप में ही बिल्ट अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स हु वर विलिंग टू वर्क फॉर द सेक ऑफ मेकिंग नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अपनी छवि को जनता में शापन करने के लिए और अपने आप को भारतीय परंपरा के करीब साबित करने के लिए मोदी ने स्वामी विवेकानंद के एक कोट को डेली ट्वीट करना भी शुरू कर दिया। दिस वॉज डन विद द इंटेंशन ऑफ प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द अपहोल्डर ऑफ इंडियन कल्चर ऑन द स्वामीज 150th बर्थ एनिवर्सरी। इस समय तक स्पष्ट हो गया था, सोशल मीडिया हैड बिकम अ वाइटल कंपोनेंट इन मोदीज प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी मशीनरी। बाय देन सेवरल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स आल्सो बिगन बीइंग यूज्ड बाय एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स हु केम टू बी रेफर्ड एज इंटरनेट हिंदूज। दीज पीपल कॉल्ड इंटरनेट हिंदूज दे गॉट अप ईच मॉर्निंग and decided which secular leaders, writers, and articles to target and launch a vicious online campaign. और इस तरह से भारतीय राजनीति में ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब Patriots and Partisans में लिखा है, There emerged a certain kind of Indians who gets up before dawn, has a glass of cow's milk, prays to the sun god and begins scanning cyberspace for that day's secular heresies. ये बात अलग है कि मुझे इन सब प्रक्रियाओं में से सिर्फ secular narrative की targeting से ही परहेज है। मुझे सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं है, कोई अगर दूध पीना चाहे तो वो भी पी सकता है, कुछ भी करे अपने निजी जिंदगी में, लेकिन टारगेटेड तरीके से कॉन्ट्रेरियन नैरेटिव को टारगेट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट ट्रोलिंग और कैंपेन के दौरान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बीजेपी और मोदी ने चुनाव में बहुत अपना फायदा किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में ये कहा गया है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया
on the 2014 election was massive and benefited the BJP hugely. 2014 और 2019 के बीच बीजेपी का सोशल मीडिया प्रेजेंस और उनकी एक्टिविटी और प्रोफिशिएंट हो गई। अपने राइवल्स को डिस्क्रेडिट करने में उनकी आईटी सेल अग्रिम भूमिका निभाती रहती है। अमित शाह उन दिनों पार्टी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 2018 में ऐलान किया था, असली हो या नकली, हम किसी भी मैसेज को वायरल कर सकते हैं। आपको याद होगा जरूर ये मैसेज। 2019 के चुनाव आते आते दूसरे पार्टीज ने भी सोशल मीडिया कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली थी अच्छी तरह से। नाउ द एडवांटेज ऑफ द मीडियम इज नो लॉन्गर विद द बीजेपी ओनली। इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनीज की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। मैसेज उनको सिंपल सा दिया जा रहा है, स्ट्रिक्टेस्ट रेगुलेशन फॉर आवर ओपोनेंट्स बट नो कर्ब्स फॉर अस। साल 2009 हिंदुस्तान की राजनीति में सोशल मीडिया और इंटरनेट यूसेज का स्टार्टिंग पॉइंट था। शायद 2021 में हम एक नया मोड़ देख रहे हैं। अब बीजेपी और सरकार के पास एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर एडवांटेज नहीं है। एज अ रिजल्ट एफर्ट्स हैव स्टार्टेड टू ब्रिंग द सोशल मीडिया इन कंट्रोल फॉर द बैटल इन 2024, ताकि भक्ति के प्लेटफॉर्म ओपन रहे, आलोचना के प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। नमस्कार। You